पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इस उद्देश्य के साथ खुले अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं तो दूर की बात, मेडिकल कॉलेज में नियमित सफाई तक नहीं हो रही है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों के अन्य बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ आए तीमारदारों का आरोप है कि उनके मरीजों के बेडशीट तक नहीं बदली गई है। अस्पताल में 2 या 3 दिन में एक बार सफाई हो रही है, साथ ही तीमारदारों ने अस्पताल से मिलने वाले खाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। तीमारदारों का यह भी आरोप है कि उनसे बाहर से दवाइयां खरीदवाई जा रही हैं। यही नहीं, अस्पताल में पानी की भी भारी किल्लत है, वहीं शौचालयों की हालत भी काफी बुरी है। इसके अलावा सफाईकर्मी, वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी मेडिकल कॉलेज में बनी हुई है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों के साथ सरकार ने मेडिकल कॉलेज तो संचालित कर दिया, लेकिन लोग अब भी मैदानी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन इन सभी अव्यवस्थाओं के लिए मैन पावर नहीं होने का हवाला दे रहा है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 17 सफाई कर्मी है, जबकि 69 की डिमांड की गई है। इस तरह से सफाई तो है ही नहीं है, नाम मात्र के है। टॉयलेट वॉयलेट गंदे हैं, पूछो मत। और कमरे की सफाई भी कहने के बाद होती है। हाँ, बेडशीट भी कहने के बाद इन्होंने अभी बदली है, तो 3 दिन हो गए थे यार बेडशीट को इनका। हमारे पास धोबी अवेलेबल नहीं, पता नहीं धोबी नहीं है या तो अभी छुट्टी पर क्या कह रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, बात की मैंने कहा बेडशीट चेंज कर लो, बदबू आ रही, बहुत स्मेल आई थी कमरे पर, तो अभी बेडशीट बदल दी, अभी तब भी ठीक ठाक है नॉर्मल। और सफाई इतनी गंदी है, सफाई तो पूछो मत। बाकी दवाई वगैरह को लेकर कोई परेशानी? दवा तो सर बाहर से लानी पड़ती है, दवा यहाँ अवेलेबल हमारे लिए तो नहीं है, हमें अभी बाहर से लाई है। स्वच्छता की कमी के 2-3 मेन कारण है। नंबर पहला कारण तो यह है कि हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी है, जिसके बावत हम लोगों ने टेंडर भी किए गए। लगभग 90 स्टाफ नर्सेज की कमी है हमारे पास, और पूरे बेस अस्पताल में केवल 17 स्वीपरों से हम काम चलाए, जिसका 69 की हमने अभी डिमांड कर रखी है। और जो मेन, जैसा कि आपको विदित है, अल्मोड़ा शहर में पानी की कमी है, और बेस में तो बहुत ज़्यादा ही कमी है। पिछले 10 दिन तो बिल्कुल पानी नहीं आया। पानी और मैन पावर मेन है। तीसरा चीज़ हमें जो बिल्डिंगें बनी है, जो रिनोवेशन हुआ है, जो नई बिल्डिंगें बनी हैं, अभी कुछ उसमें अपूर्णता है, जैसे उसमें ड्रेनेज सिस्टम, पानी का सिस्टम और वार्मिंग का सिस्टम, और बिल्डिंगें हैंड ओवर भी नहीं हुई है, और हम ना ही हमारे पास अग्निशमन फायर क्लियरेंस नहीं है, जो हमारे पास अस्थायी रूप से चल रहा है।